जो चलित तो आर्थिक वर्ष 2023-24 में जो राज्य सरकार जो बजेट रखिंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पाई सेटा 710.20 कोटी टंका अटे एवं ये जो पैसा रखा जाइए मुख्यतः राज्य सरकार गुरुत्व देइछन्ती बजेट रे शिल्पर भित्तिभूमि तैयारी करिया पे। भित्तिभूमि अर्थात आपण माने समस्त जानिथिबे विभाग तरफरु राज्य सरकार तरफरु एमआईओ प्रचलन करा जाउछे मेक इन ओडिशा कार्यक्रम निया जाउछे जादरे कि राज्य रे केमती भाबरे बाहरु पुंजी निवेश हेबो एवं शिल्प प्रतिष्ठान हेबो एवं शिल्प प्रतिष्ठान पर आमे कोनोसी अंकुश रखिनाउ छोट जिनसरु बड़ जिनस पर्यंत समस्त जिनस एठी हेई पारिबो जादरे कि ओडिशा रे जो माने उद्योगपति अच्छे से बाहर विदेश जेकोसी लोक आसीपर तो ये भाव में आम जो योजना करके चलीचु 2016, 2018 एवं 2022 आप 20 हवा कथा जेहेतु कोरोना कोविड है एवं 2022 कार्य संपन्न होती तो या आखिगे रखिकी राज्य सरकार शिल्प को मिशन मोड्रे अर्थात विधिवत भाव में ग्रहण करके बजेटरी प्रोविजन जदि आप देखिए तुलनात्मक भाव में विगत 20 वर्ष भितर ये विभाग बजेट बढ़ी बढ़ी जाइए शीर्ष स्थान में बर्तमान आम पहुँचू एथर 710 कोटी टंका दिखाई मुख्यतः ये कार्यक्रम जो पैसाटा खर्च होगा आम भित्तिभूमि भित्तिभूमि अर्थात इडको तरफ जो जगह नि आमको से पैसा खर्च कर जगह अतिक्रमण केमी कराव से 200 कोटी टंका अच्छी किणापी कि साराप तार भर जो भित्तिभूमि तैयारी हो अर्थात रास्ता पानी बा कंपाउंड वाल कराव जोटा कि आम इमिडिएटली जब गोटे लोक पुंजी निवेश करने आसे से आम विभाग तरफ से आमंत्रण देपर सांगे गोटे गुरुत्वपूर्ण जिन आजिका जिन अच्छी कि इंडस्ट्रियल एटमोस्फियर बा इंडस्ट्रियल वायुमंडल को स्वच्छ रखापी जो मैंने कार्यरत होती कम कर छोट कर्मचारी मैंने इंडस्ट्रियल हॉस्टल या पर राज्य सरकार गुरुत्व प्रत्येक इंडस्ट्रियल पार्क में आम हॉस्टल व्यवस्था करापी अनुरूप भाव में पैसा बजेट रखाई सहित केतटा शिल्प अनुष्ठान ये अच्छी जथा कि जमी आईटी सेक्टर हो बा ईएसडीएम सेक्टर इलेक्ट्रोनिक सेक्टर हो या भित्तिभूमि अर्थात बिल्डिंग दरकार तैयारी कर रेडीमेड स्पेस दरकार बिल्डअप एरिया दरकार तो तापाई मध्य विभिन्न जगह आम टावर प्रतिष्ठान करा जिवो जादर कि हमर आईटी सेक्टर आ ईएसडीएम सेक्टर जो इलेक्ट्रोनिक सेक्टर को आम दे पारिबे जोटा कि आपण जेमती चंद्रशेखरपुर देखि पारिबे एसजेड जोन होती इंडस्ट्रियल पार्क होती आईटी पार्क होती से भी आवरी खोर्धा भुवनेश्वर संबलपुर राउरकेला ये सब जगह करने राज्य सरकार तादर व्यवस्था कर ये समस्त जिनस को जो देखिए कि आगामी 10 वर्ष भितर आम विभिन्न जगार या भित्तिभूमि तैयारी करके आग को बढ़ापी आम उद्दिष्ट मन कर दिगरे गोटे प्रायोजित भाव में समस्त को सांगे नहीं बा सबू विभाग एवं खास कर जनसाधारण को आखिगे रखिकी आम या शिल्प नीति को आगक नौचु एवं निकट में जानते एमआईओ होता भुवनेश्वर एवं तादरे नुआ आमर आईपीआर लॉन्च है 2022 आईपीआर 2022 एवं याद विभिन्न रकम राज्य सरकार सुविधा रखुच्च शिल्प विभाग सुविधा रखुच्छे एवं बजेट रे आउ कौन कौन निर्दिष्ट भाव रखाई मु शासन सचिव मुख्य शासन सचिव कह प्रमुख शासन सचिव कह विभाग सी आपन को स्लाइड बुझे श्रीयुक्त शर्मा महोदय धन्यवाद सर। मानवर मंत्री जो विषय आपण मानक सूचित कले मुटा को टे प्रांजल भाव रे बजट रिलेटेड कौन कौन सब आइटम मुख्यतः रखा जाइए से विषय कहबी जहाँ मानवर मंत्री आपण मानक सम्यक सूचना देले राज्य सरकार जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अच्छी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रे 3टी मुख्य कार्य प्रथम कार्य है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पाई विभिन्न पॉलिसी सब तैयारी करा जाई थाए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रे निजस्व पॉलिसी अच्छी आईपीआर 2022 जोटा कि 1 दिसंबर 2022 दिन मेक इन ओडिशा रे रिलीज करा जाई थिला तो संगे संगे विभिन्न विभाग रे जो सेक्टोरल पॉलिसी अच्छी एमएसएमई डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभाग रे जहाँ सब पॉलिसी अच्छी से पॉलिसी को आईपीआर 2022 सहित केमिति आम सामंजस्य स्थापित करिवा दैट इज फर्स्ट responsibility of industries department. This activity is called investment promotion. This is a non-budget related activity. However, in order to promote these policies and create awareness about these policies in other parts of the country and abroad, some work is done in the form of creating awareness, road shows, investment promotion meetings, etc. तापाई मध्य budget रे स्वतंत्र व्यवस्था करा जाई अछि। द्वितीय हमारा टास्क है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रथम है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वितीय है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो माने राज्य रे इन्वेस्टमेंट करिबा पई आग्रह प्रकाश करि थांती से माने केमिति सुयोग पाइबे एवं से मानकर एठी एप्लिकेशन प्रोसेस क्लीयरेंस प्रोसेस इंडस्ट्री स्थापित करिबा पई जो विभिन्न प्रकार रे सबु लाइसेंस परमिट रेगुलेटरी अप्रूवल दरकार सेटा सबु केमिति सुगम हेई पारिबो सेटा को कहा जाउची इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पई राज्य सरकारक तरफरु स्वतंत्र व्यवस्था करा जाय अछि ऑनलाइन पोर्टल माध्यम रे जहा को कहा जाय गो स्विफ्ट वर्तमान अमर सेकेंड वर्जन को प्रवेश करूची। गो स्विफ्ट फेज 2 को आसंता आर्थिक वर्ष रे आमे त्वरान्वित करिबा एवं तापाई मध्ये अमर बजेट रे व्यवस्था रखा जाय अछि। थर्ड एवं मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम ऑफ वर्क फॉर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। जहाँ मान्यवर मंत्री आपण को सूचना दे रहे आर्थिक वर्ष 2023-24 रु अमर राज्यर जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पाई जो बजेट अच्छी तार दिग को परिवर्तन करा जाई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रति साहा को फोकस करा जाऊ अच्छी एवं आपण मानक मु प्रेजेंटेशन माध्यम रे वर्तमान दिखाइबी किपरि भाव रे से वर्तमान दिग परिवर्तन करी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अमर जारी रहिबो किंतु इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे केमिति गुरुत्व दिया जीवो एवं बजेट रे मध्ये सही प्रकार रे व्यवस्था किपरि भाबरे दीर्घ म्यादी हिसाब पाई करा जाई अछि। आपण माने जानि थिबे एवं एकमत हेबे इंफ्रास्ट्रक्चरटा वर्षकीय योजना केबे हेई पारिबोनी, इंफ्रास्ट्रक्चरटा लॉन्ग टर्म दीर्घ म्यादी, तेनु से दीर्घ म्यादी योजना को सामने रे रखी हमर वर्तमान वर्षरा बजेटटा प्रस्तुत करा जाई अछि। तो मु आपण को गोटे ग्राफ माध्यम रे बुझाइबा को चेष्टा करिबी आर्थिक वर्ष 15-16 रु 23-24 भितर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रे बजेट रे किपरि भाव रे परिवर्तन आसीछि। दिस इज दी बजेट ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इट स्टार्टेड विद लेस देन 100 crores in 15-16 and 16-17 and it moved up to 1200 crores last year and now this year it is at 703 crore। आपण माने देखिबे कि गोटे पर्याय क्रमे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रो जो बजेट अछि बढी बढी जाउची, जिपरि भाव रे हमर कार्य भार बढी बढी जाउची सेमिति भाव बजेट मध्ये वृद्धि पाउची। गत वर्ष तुलना रे ए वर्ष एमिति कम जाना पड़ुची किंतु सेटा एक्चुअली कम नुहे बेसी अछि। काहे कहले लास्ट ईयर सप्लीमेंटरी रे हमको गोटे कोर्ट ऑर्डर को फॉलो कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करिबा पाई 370 कोटी टंका प्राय हमको गोटे स्पेशल प्रोविजन करबा को पड़ीला सेटा को यदि बाहर कर दिया जाए एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बजेट का को हमें यदि कंपेयर करिबा आवर बजेट हैज बीन इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 5 years। सो दिस यू कैन सी दिस इज दी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बजेट जो जहाँ मान्यवर मंत्री मध्य कहले कि अमर एंटायर फोकस इज नाउ ऑन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यू कैन सी हाउ दी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस इज चेंजिंग एंड शिफ्टिंग बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मोर बजेट टू द डिपार्टमेंट। सो अवर बजेट हैज मूव्ड यू कैन से फ्रॉम अ लो ऑफ 50 crores टू 550 crore। अमर 50 कोटी टंका हमें पाई 17-18 एवं 70 कोटी टंका पाइलु 18-19 रे। ए वर्ष आम 556 कोटी टंका रे प्रावधान पाइचु एवं गत वर्ष मध्य 440 कोटी टंका रे प्रावधान आम पाई करा जाय थिला। दिस प्रूव्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इज नाउ शिफ्टिंग टू क्रिएट मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल प्रोवाइड मोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट। ये हमारे बजट रे जो 23-24 रे आर्थिक वर्ष रे जो बजट अच्छी यार ग्राफ माध्यम रे आपण माने देखि पारिबे इडको पाई जोटा कि हमर संस्था इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करबा पाई तांका पाई 556 कोटी टंका रे व्यवस्था करा जाय अछि। इपिकॉल जहाँ मु कहली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ये दुईटी हेड पाई 50 कोटी टंका रे व्यवस्था करा जाय अछि। जेहेतु ए वर्ष अमर मेक इन ओडिशा कार्यक्रम नाही, गत वर्ष मेक इन ओडिशा कार्यक्रम थिला, गत वर्ष ये हेड रे बेसी हमको बजेट प्रोवाइड करा जायथिला प्राय यहाँ टू डबल थिला एवं ए वर्ष एटा को नॉर्मल स्तर को आना जायछि। ओएफडीसी ओडिशा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गोटे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अछि कलिंगा फिल्म स्टूडियो। कलिंगा फिल्म स्टूडियो रे रिडेवलपमेंट चली एवं 150 कोटी टंका रे बजेट आकलन करा जायथिला। 100 कोटी टंका हमें ऑलरेडी से इन्वेस्ट कर सारीचु एवं एटा लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय मार्च 2024 कलिंगा स्टूडियो वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज माध्यम रे जो विभिन्न इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव सबू दि जाए तार व्यवस्था 37.25 crores करा जाय अछि। ये व्यवस्थाटा मुख्यतः सप्लीमेंटरी स्टेज रे करा जाए काहेकि वर्ष जागा जो इंसेंटिव्स हमें सैंक्शन करिबू एलिजिबिलिटी मुताबिक से तार हिसाब करी वर्ष शेष रे लास्ट क्वार्टर एटा दरकार पड़ी था तेणु सप्लीमेंट्री स्टेज मध्य यापाई किसी व्यवस्था यदि दरकार पड़ो कर गोटे इम्पोर्टाट अच्छी आप देखिए आम से जो चाहे छोटो जना पड़ूँ किंतु तार एक्चुअली इम्पैक्ट इज मच मोर स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल आम वर्तमान आसंता आर्थिक वर्ष 6 जिले में आम स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल आम आरंभ करूँ जो थी कि आम मुख्यतः लैंड एक्विजिशन करने पड़ू लार्ज लार्ज इंडस्ट्रीज पाई एमएसएमई क्लस्टर्स ये जिला गुड़िक है केंद्रापाड़ा जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा रायगड़ा एवं कलाहांडी ये 6 जिले जो आमर बेसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाई फोकस आमर रहिबो आसंता किसी वर्ष पाई ये जिले में आमर नुआ स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल गठन करने ये अरेंजमेंट करा कर जगतसिंहपुर रे पीसीपीआईआर आईओसीएल रे रिफाइनरी आर्सलरमित्तल और जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट एवं अन्य सबू केमिकल इंडस्ट्रीज क्लस्टर ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया क्लस्टर स्थापित कराई गोटे स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल हेबो। सिमिलरली केंद्रापड़ा जिले में बड़ धरण जो शिल्पायन हेबाकू जाउची आर्सलरमित्तल निप्पन स्टील माध्यम रे तापाई मध्य एवं महानदी रिवराइन पोर्ट माध्यम रे तापाई मध्य गोटे स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल सेठी आरंभ करबा पाई योजना अच्छी। मयूरभंज जिले में मध्य स्टील इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित देवा पाए एवं गोटे नुआ 550 एकर्स रे स्पेशल स्टील पार्क तैयारी करबा पाई तिरिंग एवं रायरंगपुर ठारे गोटे स्पेशल लैंड एक्विजिशन सेल नुआ करी सेठी स्थापित करबा पाई हमर योजना अच्छी। जो इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर विषय आम कहलु एवं माननीय मंत्री मध्य कहले कि हमर फोकस अच्छी किंतु से फोकसटा वस्तुतः कौटी अच्छी कौ प्रोजेक्ट रे से फोकसटा दिया जीवा पाई वर्तमान सरकार चिंता करचंती। सो दीज आर दी 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर प्रमोटिंग। फर्स्ट इज 5 मेगा पार्क ये 5 मेगा पार्क सी फूड पार्क एट डेरास प्लास्टिक पार्क एट पारादीप एल्युमिनियम पार्क एट अंगुल इलेक्ट्रॉनिक पार्क एट खुर्दा एवं टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क एट भद्रक ये 5 पार्क हमें ऑलरेडी स्थापित करी सारीचु। ये 5 पार्क रु 4 पार्क रे कार्य संपूर्ण हो सारी एवं टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क रे भद्रक रे कार्य मध्य आरंभ हो सारी। सिमिलरली आमे यही प्रकार रे और नुआ पार्क करबा पाई हमर आसंता बजट रे एवं तत्पश्चात मध्य व्यवस्था करा जीवो। इडको टावर्स आमे 3 टावर गत 3 वर्ष भितर आमे कंप्लीट करी सारीचु। इनक्यूबेशन टावर जहाँ को ओ हब कहा जाए 4 लाख स्क्वायर फीट इन भुवनेश्वर ढेंकानाल रे मध्य आम टावर आम निर्माण संपूर्ण कर सारी 1.5 लाख स्क्वायर फीट एवं झारसुगुड़ा रे 2.19 लाख स्क्वायर फीट रे टावर आम कंप्लीट कर सारी। यही प्रकार रे आहरी केतेटा टावर स्टार्टिंग फ्रॉम 23-24 करा जीवो जो विषय में आपको सूचना देवु। विभिन्न इंडस्ट्रियल स्टेट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट अच्छी जो थी कि वर्तमान इंडस्ट्रीज रे डेंसिटी बढ़ुची तेणु पानी रे चाहिदा एवं पावर रे इलेक्ट्रिसिटी चाहिदा बढ़ुची तेणु पावर को प्रोवाइड करबा पाई तो हमर एनर्जी डिपार्टमेंट व्यवस्था करी थांती। वाटर को प्रोवाइड करबा पाई इंडस्ट्रियल वाटर प्रोवाइड करबा पाई इडको माध्यम रे आमे कलिंगनगर रे 20 मिलियन लीटर्स खुर्दा पाखरे 13.19 मिलियन लीटर्स एवं बालेश्वर रे 22 मिलियन लीटर्स पर डे ये 3 प्रोजेक्ट हमर वर्तमान चालू रही। खुर्दा रे हमर कार्यटा कंप्लीट हो जाइए कलिंगनगर रे मध्य हमर कार्य वर्तमान बहुत त्वरित गति रे चली खूब शीघ्र शेष हो जीवो एवं बालेश्वर रे मध्य हमर खूब त्वरित गति रे चली कंप्लीशन स्टेज रे अच्छी। ता बाहरे सी फूड पार्क रे जो डेरास खुर्दा पाखरे हमर सेठी 1 मिलियन लीटर्स पर डे रे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आमे वर्तमान तैयारी करूछु। एटा रहिला 4 प्रोग्राम और 5th जो कैटेगरी अच्छी नुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयारी करवा तो नुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्तमान आम कटक खुर्दा जाजपुर गंजाम ढेंकानाल बोलंगीर नवरंगपुर और पुरी ये लोकेशन रे हमर नुआ इंडस्ट्रियल स्टेट 100-150 एकर्स 200 एकर्स रे वर्तमान आम विगत 2-3 वर्ष से तैयारी करूँ एवं आहरी मध्य आम तैयारी करूँ। एक्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल स्टेट अच्छी वर्तमान आमर 122 इंडस्ट्रियल स्टेट नोटिफाइड से 28 डिस्ट्रिक्ट रे जो 122 इंडस्ट्रियल स्टेट अच्छी से भित्तिभूमि रे विकास पाई मध्य हमर बजट रे स्वतंत्र व्यवस्था गत वर्ष मध्य करा जाइथिला ए वर्ष मध्य करा जाऊ अछि एवं जो थी कि तांकर सीवरेज सिस्टम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम स्ट्रीट लाइटिंग रोड ड्रेनेज कोठी सिक्योरिटी शेड एवं बाउंड्री वॉल निर्माण मध्य से करा जाऊ अछि। ये सबू फोटोग्राफ्स आपन देखि पारिबे। दिस इज दी सी फूड पार्क एट डेरास जो थी कि वर्कर्स डॉर्मेटरी एडमिन बिल्डिंग गोटे एनेक्सर बिल्डिंग जो थी कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी अच्छी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंटरनल रोड एवं इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबू संपूर्ण ही सारी चीज एवं आपने जानिकर खुशी है प्राय 50% ऑफ द प्लॉट्स in this seafood park are already occupied and not less than 10,000 workers are working there. ये जो हमारे डॉर्मिटरी फॉर वर्कर्स अच्छी एतिर आम मात्र 600 बेड रे व्यवस्था करथिलु. एंटायर थिंग इज फुल्ली ऑक्युपाइड बाय वन कंपनी अलोन. तेणु आम से बाध्य होचु आउरी व्यवस्था करिबा पई. प्लास्टिक पार्क पारादीप वर्तमान संपूर्ण भाव में यहाँ कम्प्लीट होगा एवं एथे प्राय 7 यूनिट वर्तमान तंकर कार्य आरंभ करछन्ती एवं 2 यूनिट इनॉग्रेशन मध्य हे सारछन्ती. सेठी मध्य वर्कर्स मानक पई एग्जीक्यूटिव्स मानक पई समस्त रहिबा व्यवस्था मध्य अछि. लैबोरेटरी अछि, वेल डेवलप्ड प्लॉट एवं प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सेतिर अछि. ये पारादीप प्लास्टिक पार्क रे हमर 2 यूनिट जो माने वर्तमान कार्य आरंभ करछन्ती से तांकर एटा फोटोग्राफ अछि. Aluminium park at Angul, this is also complete, all infrastructure in complete, road, boundary wall, water, electricity, common infrastructure, administrative building, training center, R&D center, and also 2 ready to move in factories. Ebe khub shigro, eti gode Germany re bada company achi, se mane eti asigiri tankar factory re construction asanta mas 18 tarikh ru aarambh karibe. This is the electronics park at Khordha, already 3 units are functional there. Evam asanta kali रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे माननीय गवर्नर आसिकरी तांकर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे. भारत वर्ष रे सबटू बड़ो डेटा सेंटर एवं व्हाट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोसेसिंग सेंटर से अनुष्ठित होगा जाऊँगी. बाहर आहरी 2 कंपनी कार्य सेठी मध्य आरंभ हो सारी. इन्फोसिस सेठी वर्तमान ऑलरेडी कार्यरत अच्छी एवं शांति सोलर मध्य सेठी कार्यरत अच्छी. This is the technical textile park at Bhadrak, 230 acres. This work has just started. We have taken over the land and 60 acres of land has been given to IOCL. Yeti power supply, water supply, internal road, external road कार्य मध्य हमर आरंभ हे सारी छी. एबे हमें 2019 परे जो नुआ कार्यटा हमें आरंभ करथिलु जो 10टी प्रकार रे हमर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अछि. प्रथम हैला 13 नंबर्स ऑफ वर्कर्स हॉस्टल. मु जेमिति आपन कहली वर्तमान हमर सबु जगह प्राय इंडस्ट्रियल स्टेटा सैचुरेशन स्टेट को आसिला. तेणु से वर्कर्स मानक रही बहुत असुविधा होची. 13 स्थान रे 26,000 बेड संख्या पाई वर्कर्स हॉस्टल वर्तमान में तैयार करूचु जहाँपाई आमर बजेट रे व्यवस्था करा जाई अछि. 8 नुआ इडको टावर आम तैयारी करूँ तार डिटेल्स टाइम आपको देवी. 30 स्थान रे नुआ एमएसएमई पार्क तैयारी हेबो. 3 नुआ इंडस्ट्रियल क्लस्टर मध्य स्थापित हेबो. 2 नुआ मेटल डाउनस्ट्रीम पार्क मध्य स्थापित करा जिवो, गोटे कलिंगनगर रे एवं गोटे झारसुगुड़ा रे. 10 नुआ जो 10 जो पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट अच्छी तार अपग्रेडेशन करा जिवो. सिमिलरली आमर जो बीजू इकोनॉमिक कॉरिडोर बीजू एक्सप्रेसवे जोटा माननीय मुख्यमंत्री गत 5 मार्च रे शुभारंभ करचंती सेतरे 5000 एकर्स रे 9 स्थान रे नुआ इंडस्ट्रियल स्टेट बीजू एक्सप्रेसवे को लागी करी हम स्टार्ट करबा जाउछु. केतरा ऑलरेडी हमर काम संपूर्ण होता आपको वर्तमान आउ टिके सूचना देवु. तापरे कलिंगनगर गोपालपुर एवं मल्लिपड़ा खोर्धा पाखे 3 नुआ स्थान रे बड़ो धरण रे इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई कार्य मध्य आसंता बजेट रे हाथ को निया जीवो. ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्टेट जेटा मुझे कहती नुआटा आम स्टार्ट करूँ. कटक संबलपुर ढेंकानाल मेगा एल्युमिनियम पार्क एट अंगुल एवं गोपालपुर रे यूटिलिटी कॉरिडोर येटा मध्य आमर आसंता वर्ष बजेट रे हाथ को निया जीवो. 10 MLD कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एट पारादीप एंड 5 MLD कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एट खोर्धा मल्लिपड़ा. दीज टू ऑल्सो आर कवर्ड अंडर द नेक्स्ट इयर्स बजेट. ता बाहर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क झारसुगुड़ा रे एवं कलिंगनगर एवं धावरा ने मध्य आमर एप्रुवाल करा जाई अछि जोथिरे कि इडको किछि अंश ग्रहण करिवो. 10% रु 26% इडको किसी अंशग्रहण करिवो. से अंशग्रहण पाई मध्य राज्य बजेट रे व्यवस्था करा जाई अछि. फाइनली सर, दिस इज द कलिंगा स्टूडियो रीडेवलपमेंट वर्क. देयर आर 4 बिल्डिंग्स टू बी डन एज अ पार्ट ऑफ दिस रीडेवलपमेंट वर्क एंड यू कैन सी द करंट स्टेटस of the progress. All the building, in case of first building, civil work is nearly complete, internal fittings will start, and in case of other 3 buildings, civil work is nearing completion. By our target is that by December we would have completed all the civil works, and by March 2024 the studio would be available for filmmakers and other facilities. This is the Kalinganagar 52 MLD 52 million liters per day water supply. अपन imagine करंतु आज दिन रे हमर सेठी 10 MLD रे water supply अछि. एटा को 5-5 गुणा हमें करबा जाउछु. हम ये कार्यटा मध्य पाइपलाइन इनटेक वेल कार्य संपूर्ण हेछि एवं pipeline. You can see for yourself what is the size of the pipe which we are laying there. Largest ever pipe ever used in Odisha industrial water supply is being used at Kalinganagar. This is in Baleshwar, 22.5 million liters per day. अपन देखी पारी वे intake well रे कार्य almost संपूर्ण हेबाग अवस्था रहची एवं तापाकरे जो pump house रे कार्य मध्य civil work complete है सारी ची तापाकरे अपन देखी पारी वे intake well रहची एवं pipeline रे कार्य मध्य almost completion stage रहची. This is very important. मुझे हाँ आपनों को कोई तली कि हमें 13 स्थान रे नया worker hostel तैयारी करीबू 24,971 प्राय 25,000 बेड संख्या रे ये कार्य हमर हेबो. This is Paradeep रे दुईटा, बालेश्वर, जयमंगल इन क्लोज टू खुर्दा, बोलंगीर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, जाजपुर, राउरकेला, चौद्वार इन कटक, छतावर इन खुर्दा, डेरास इन खुर्दा, and also a new workers hostel in the Khordha food park. This is totaling to about 25,000, and already as I mentioned प्राय हजारे संख्या रे वर्कर हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी जेहेतु तार बहुत डिमांड आसिला एवं इंडस्ट्रीज एवं वर्कर्स मानक पाई लोकल जो अमर डोमेस्टिक जो वर्कर्स अच्छी डोमिसाइल वर्कर्स अच्छी जो मान को ये सब सुविधा दरकार तांका पाई ये राज्य बजेट रु तैयारी कराजिवो एवं से माने अति सुलभ मूल्य रे से माने एटा को उपभोग करि पारिबे. ता बाहर ये जो 13 वर्ष सर अच्छी ऑलरेडी काम अमर आरंभ है सारी ची मोस्टली द वर्क is underway, and by March 2024 out of these 13 जो छोटा हॉस्टल सब वो अच्छी अपन देखिए इससे प्राय तो G+6 G+4 G+3 जो छोटा हॉस्टल अच्छी G+3 कीमा सेक्टर हमें by March 2024 हमें complete कर दे वो जोड़ा बड़ा building अच्छी that will take at least 2.5 years for completion. This is again some of the workers hostel work sir which has already started. जहाँ मुँह कहली कि हमारे 8टा नुआ इडको टावर कराजिवो जेमती फॉर्च्यून टावर अच्छी टावर 2000 अच्छी ओ हब कराहेला किमा ढेंकानाल एवं झारसुगुड़ा रे कराहेला ये 8टी लोकेशन रे हमारे इडको टावर कराजिवो दापाई मध्य हमारे बजट व्यवस्था करा जायची 9,74,000 ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वायर फीट रे कमर्शियल स्पेस हमें राज्य रे क्रिएट करीबू जोटा कि लोकल MSMEs मानक पाई इंडस्ट्रीज मानक पाई एवं जो एम्प्लॉयमेंट इंटेनसीव इंडस्ट्री आसूची जो थे कि मुख्यतः लोकल लोक सबू चाकरी पाती एटा को एटा बहुत सपोर्ट करिवो एवं मात्र भुवनेश्वर रे एटा को कंसंट्रेट न करी आमे एटा को विभिन्न जगह रे यथा ब्रह्मपुर, संबलपुर, बालेश्वर, जाजपुर, केउंझर, पारादीप, अंगुल 7टी लोकेशन भुवनेश्वर बाहर एवं इडको रे गोटे इन्फो वैली रे मेगा टावर हेबो 42 स्टोरी टावर विल बी कंस्ट्रक्टेड. The project cost is more than 800 crores and more than 1,73,000 square feet of space would be created. Biju Expressway विषय रे जहाँ मु आप लोग कहूँतली ये हमारा 29 क्लस्टर 10 जिला रे प्रपोज करा जायी ची जहाँ की लैंड एरिया आइडेंटिफाई है ची 4,583 acre. This all land is coming as some of it has already come to IDCO and some of it is in the final stages of being handed over to IDCO, and along this Biju Expressway there are these 10 locations where these industrial clusters will be set up very close or in the vicinity or approachable easily from the Biju Expressway. तापाई मध्य हमारो budgetary व्यवस्था कराई जाई अच्छी. These are some of those industrial states sir in the along the Biju Expressway. The तालजारिंग कोलाहांडी 260 एकड़ already हमारे काम अपन देखी सारथी वे boundary wall सेटी दिशुची ये जो अप्रोच रोड जो ब्रिज अच्छी गोटे हाई लेवल ब्रिज करवा पड़ी से मध्य आपन देखी पारे एवं 2 कंपनीज आउट ऑफ व्हिच वन इज अ सेंट्रल PSU इंडियन पोटाश लिमिटेड एंड अनदर कंपनी कॉल्ड साउ ब्रिवरीज. दे आर सेटिंग अप वेरी लार्ज साइज इथेनॉल प्लांट्स. दे हैव ऑलरेडी टेकन लैंड इन दिस एरिया एंड सिमिलरली अदर वर्क्स ऑल्सो विल बी डन अलॉन्ग द बीजू एक्सप्रेसवे. सर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन विषय समस्ते जानी लास्ट ईयर आर्थिक वर्ष 2022-23 रे आमर 108 नुआ प्रपोजल 2.5 लाख कोटी टंका रे अप्रूवल करागला एवं 42 नुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट कराला. सिमिलरली MIO रे आपण माने समस्ते जानिचंती 10 इन्वेस्टर रोड शो हेतिला विभिन्न स्थान रे प्राय 2500 रु अधिक डेलीगेट्स माने अटेंड करथिले एवं प्राय 250 बिजनेस मीटिंग्स मध्ये हेतिला. 2022 मेक इन ओडिसा आपण माने समस्ते जानिचंती प्राय 10 लाख कोटी टंका रे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आमे पाई सारी चु एवं 741 प्रोजेक्ट रु वर्तमान सुधा आमे 201 प्रपोजल्स को मध्य एक्चुअल फर्म प्रपोजल आमे पाई सारी चु आउट ऑफ विच 153 को मध्य आमे अप्रूवल करी सारी चु एवं 31 इंडस्ट्रीज को आमे लैंड मध्य गत तीन मास भितर आम देबार सक्षम हो। 16टा इंडस्ट्रीज अलरेडी कंस्ट्रक्शन आरंभ कर देइछन्ती। 2टा इंडस्ट्री तांकर जोटा छोटो इंडस्ट्री थिले से माने तांकर वर्तमान कंस्ट्रक्शनटा शेष मध्य कर देइछन्ती। सो आमर फोकस रहिबो सर सब बेले एमानकु ग्राउंडिंग कराइबा। गोटे नुआ स्कीम आमर डिपार्टमेंट तरफ आरंभ हेबाउ जाउछि दीपा, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेन्सी। ये गोटे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब रे आमे लास्ट ईयर आरंभ करिथिलु। 15टी जिला रे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेन्सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को सपोर्ट करबा पई आरंभ करा जाय थिला पायलट बेसिस रे। पायलट बेसिस रे आरंभ करबा पई एटा IDCO तांकर ओन फंड्स रु वर्षे पर्यंत ए स्कीम को चलाई थिला, किंतु वर्तमान एटा बहुत सक्सेसफुल हेछि एवं तेणु आसंता आर्थिक वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट स्कीम एंड ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड। 15टा जिले पायलट प्रोजेक्ट आमर चली एवं आसंता आर्थिक वर्ष रे सबु जिले रे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेन्सी स्थापित करा जिवो, जहाकू राज्य सरकार का बजट माध्यम रे सपोर्ट करा जी। सो 23-24 पाई सर आम जहाँ आपन को कहलु दिस इज आवर प्लान। These are the districts which are already taken up in pilot phase, and the balance will be taken up in the next year. Amar sir, जो मेक इन ओडिशा मु जानी समस्त निश्चित मन प्रश्न थी आम कौन करवाक जाऊँ तेणु दिस इज आवर प्लान फॉर मेक इन ओडिशा। जमी मुझे कहली प्राय 153 आउट ऑफ 741 153 have already come, of which 41 have got land, 16 have started construction, 2 are already commissioned. Rest, this is how we will take up. Every quarter, we will have a groundbreaking ceremony. जेमिति हमें मार्च फेब्रुअरी आम कर नेक्स्ट अप्रैल रे हबो, तापरे जून रे हबो। एटा हमर पूरा वर्षकिया प्लान अप टू डिसेंबर 2023. We have prepared a plan for every month. How many industries will be facilitated for groundbreaking, inauguration, etc. every month. So we will try that all the investment proposals which have been received during Make in Odisha, we will certainly take them to the logical conclusion. Thank you, sir.